नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैटेलाइट के बारे में। जैसे आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि सैटेलाइट जो है हवा में है, जो हम टीवी देखते हैं टीवी सैटेलाइट जो है, या फिर टीवी एंटीना में जो सिग्नल्स आता है वो कहाँ से आता है, तो सैटेलाइट से आता है। या फिर नेविगेटर कैसे काम करता है, तो सैटेलाइट के माध्यम से काम करता है। कोई बच्चा पूछता भी है कि ये जो डिश लगा हुआ है इस पर प्रोग्राम कहाँ से आते हैं, तो आपका यही जवाब होता है कि वो सैटेलाइट से आता है। तो एक्चुअल में सैटेलाइट होता क्या है और सैटेलाइट पर क्या क्या डिपेंड करता है, सैटेलाइट एक्चुअली कैसे काम करता है, कैसे हवा में है, कैसे टिका हुआ है, ये सारे के सारे कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों के दिमाग में चलता रहता है। तो दोस्तों अगर आपके भी दिमाग में ऐसा कन्फ्यूजन चल रहा है तो आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाली वीडियोस में मैं टेक्नोलॉजी को बिल्कुल बारीकियों से एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि आपके माइंड से इस टाइप के सभी कन्फ्यूजन्स को मैं दूर कर सकूं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि धरती के यानी अर्थ के चारों साइड में चंद्रमा परिक्रमा करता रहता है, ऑर्बिट करता रहता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर इस तरीके से जो है बीच में धरती होती है जो घूमती रहती है, और इसके चारों साइड में जो चंद्रमा है वो परिक्रमा करता रहता है। तो ये जो है ये भी एक प्रकार का सैटेलाइट है, लेकिन ये सैटेलाइट बनाया नहीं गया, ये कृत्रिम रूप से बना हुआ था। ये एक्चुअली पहले से ही था, इसको कोई इसरो या फिर नासा ने नहीं लॉन्च किया था। एक्चुअली है क्या कि इसी जो चांद रूपी सैटेलाइट है, इसी को ध्यान में रखते हुए इसी से प्रेरणा लेकर के ही सैटेलाइट का निर्माण हुआ, ताकि इसी के हिसाब से हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हवा में पृथ्वी के चारों तरफ ऑर्बिट कराएं, ताकि पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं है, जो जितने भी हलचल हैं या जितने भी इस प्रकार की गतिविधियां हैं, हम अपने इच्छा के अनुसार उससे हम काम ले सकें। तो इसीलिए चांद से ही प्रेरणा लेकर के सैटेलाइट का निर्माण किया गया। देखते हैं कि एक्चुअली सैटेलाइट को हवा में कैसे भेजा जाता है, वो हम इस एनिमेशन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो भी लॉन्च करता है वो ये इस तरीके से सैटेलाइट ऊपर जाता है हवा में बिल्कुल भी, और जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हवा का दबाव यानी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाती है, एक एक स्टेप का काम खत्म होता चला जाता है। अब इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो दबाव है वो प्रेशर वो कम हो गया है, इसलिए इसे कम ताकत की जरूरत है, इसलिए छोटा ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। आगे जाने के बाद इसका भी काम खत्म हो जाता है, जो एक कैप्सूल में गया हुआ था सैटेलाइट वो कैप्सूल हट गया, और बिल्कुल फ्री स्पेस में जाने के बाद जो है सारे फोर्स करने वाले ऑब्जेक्ट थे, फोर्स करने वाली जितने भी मशीनें थी वो उससे अलग हट गई। और फ्री स्पेस में जाने के बाद अब आप देख सकते हैं ये जो इसके प्लेट्स जो खुल रही हैं, इस सोलर पैनल्स हैं जो खुल करके इसी से हमारे सैटेलाइट को एनर्जी मिलती रहती है, जिसके माध्यम से उसके मोटर्स हैं और सारी चीज़ें, कितना स्पीड पे घूमना है, कैसे इसको टिके रहना है, वो सारी चीज़ें एनर्जी इसी सोलर पैनल से मिलती रहती है। और उसके बाद जो है एक फिक्स स्थान पर जाने के बाद जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाना शुरू कर देता है कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से वो चक्कर लगाता रहता है। तो ये तो आपने देखा किस तरीके से जो है सैटेलाइट जाता है हवा में स्पेस में और वो अपना काम करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअली कितने टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं, ये धरती से कितना दूर पर होते हैं, और कितना दूर से क्या क्या कंट्रोल करते हैं, कौन से कंट्रोलिंग के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। तो आगे जैसे देख पा रहे हैं इनको तीन लेवल में बांटा हुआ है, तीन लेवल पर सैटेलाइट्स काम करते हैं। जो पहला लेवल है वो लो लेवल बोला जाता है, उसके बाद मीडियम लेवल होता है, उसके बाद हाई लेवल होता है। तो जो लो लेवल होता है ये करीब धरती से 100-150 किलोमीटर के आसपास के दूरी पर होता है, और इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, ये दिन में कई बार पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लेता है, इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, ये करीब करीब 1.5 से 2 घंटे के अंदर एक चक्कर पूरा कर लेता है। और इसको जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं पृथ्वी से या धरती पर किसी भी प्रकार के कहीं से भी इमेजेस वगैरह अगर उठाना है, किसी भी प्रकार का फोटो वगैरह खींचना है, तो वो इस वाले सैटेलाइट से खींचा जाता है। और उसके बाद जो आता है मीडियम लेवल, जो मीडियम लेवल होता है वो करीब धरती से 1000 से 1500 किलोमीटर के आसपास में होता है, यानी 1000 से 1500 किलोमीटर के आसपास में होता है। और उस वो सैटेलाइट जो होती है वो भी पृथ्वी का चक्कर काटती है, लेकिन वो इससे थोड़ा सा स्लो चलती है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर में सैटेलाइट हवा में कैसे रुके रहते हैं। तो यहाँ पर आप
जान सकते हैं कि जो ग्रेविटी का जो अर्थ ग्रेविटी का जो रूल्स होता है वो काम करता है। जैसे आप देख सकते हैं जो मेले वगैरह में मौत का कुआं होता है उसके अंदर यही फोर्स काम करता है कि वो एक स्पीड में घूमता रहता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक ग्रेविटी फोर्स काम कर रहा होता है जिसकी वजह से जो वो बाइक्स वगैरह जो कार्स वगैरह होती हैं वो हवा में घूम रही होती है वो नीचे नहीं आती हैं। वही प्रिंसिपल सेम यहाँ पर भी काम करता है क्योंकि एक पृथ्वी है वो जो अर्थ है जो अपने तरफ खींच रही है चीज़ों को। तो एक सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर उसके बाहर उसके आसपास अगर एक स्पीड से चीज़ों को चलाई जाए किसी ऑब्जेक्ट को चलाई जाए तो वो जो है हवा में लटकी रहेगी हवा में ऑर्बिट करती रहेगी वो कभी भी नीचे नहीं आएगी। तो यहाँ पर वही प्रिंसिपल काम करता है। तो जो पास है उसको ज़्यादा स्पीड से घुमाया जाता है और वो जो स्पीड है वो डिपेंड करता है सेटेलाइट के साइज़ पर सेटेलाइट के वेट पर। वेट ज़्यादा है सेटेलाइट का साइज बड़ा है तो उसको थोड़ा ज़्यादा स्पीड से लेना होगा। उसी प्रकार से जो दूसरा मीडियम लेवल आता है वो चूंकि काफ़ी दूरी हो जाता है तो उसके लिए कम स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। तो जो मीडियम लेवल है वो सेटेलाइट हम लोग इस्तेमाल करते हैं नेविगेटर गैलीलियो वगैरह जो आप लोग अक्सर देखते हैं कि कौन सा फ़ोन वगैरह कहाँ पर है जो आप सर्च करते हैं कि कोई भी फ़ोन इस वक्त कहाँ पर है या फिर कोई भी गाड़ी वगैरह किस जगह पर है कहाँ पर है जो उसका स्थान आप चेक करते हैं कि किस जगह पर है नेविगेटर के माध्यम से नेविगेशन के माध्यम से वो सारा का सारा जो है मीडियम क्लास में चल रहे सेटेलाइट वो बताते हैं वो सारे के सारे सेटेलाइट उस पर काम करते हैं। उसके बाद आता है हाई लेवल। हाई लेवल जो सेटेलाइट होती है वो पृथ्वी से करीब करीब 35,000 से लेकर के 48,000 किलोमीटर के दूरी पर होती है। ये बहुत ही काफ़ी दूरी पर होती है। तो इस सेटेलाइट को हम यूज़ करते हैं टीवी सेटेलाइट के लिए। जैसे जो आप लोग देखते हैं कि घरों के अंदर जो डिश लगा होता है जो छोटी सी छतरी लगी होती है उस पर जो पिक्चर आती है उस पर जो सिग्नल्स आते हैं कितने दूर से आते हैं। क्या कभी सोचा है आप लोगों ने कि इस पर जो सिग्नल्स आते हैं कितना दूरी तय करने के बाद हमारे उस छतरी तक पहुँचते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा दूरी तय करने के बाद हमारे तक पहुँचते हैं। ये करीब 35,000 से 48,000 किलोमीटर दूर पहले नीचे से ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट किए जाते हैं और उस पर पहुंचते फिर प्रोसेस होने के बाद वापस जा करके हमारी छतरी पर आते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा दूरी कवर करते हैं लेकिन उस सारे दूरी कवर करने के बावजूद भी जो टाइम लगता है वो कुछ नैनो सेकेंड का टाइम लगता है और वो जो कवर करता है वो जो मेंटेन करता है वो आपका सुपर कंप्यूटर मेंटेन करता है। तो आगे देख लेते हैं कि किस तरीके से किन किन कामों के लिए इस्तेमाल होता है। तो जैसे भी नेविगेटर के बारे में हम लोगों ने बात किया था तो वो इस तरीके से काम करता है। जो मीडियम हाइट पर जो सैटेलाइट है वो इस तरीके से काम करता है नेविगेटर के लिए। और उसके बाद जो है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो ट्रांसमीटर से सिग्नल दिए जाते हैं और प्रोसेस होने के बाद फिर दोबारा से धरती पर वो सिग्नल वापस भेज दिए जाते हैं जो इसके बीच में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता और बिल्कुल डायरेक्ट हमें मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये जो सैटेलाइट होता है बिल्कुल फिक्स होता है अर्थ के अकॉर्डिंग की चूंकि अर्थ हमारी जो है घूमती रहती है। तो अगर ये सैटेलाइट अगर घूमता तो क्या होता कि जो हम फिक्स करते हैं अपने डिस्क को वो उस पर आने वाला सिग्नल भी किसी न किसी टाइम में वो सिग्नल छोड़ देता। लेकिन ये जो सिग्नल होता है वो अर्थ को लेकर के फिक्स कर दिया जाता है तो ये उसी स्पीड से घूमता है जिस स्पीड से हमारी अर्थ घूम रही होती है। ये अर्थ के साथ 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 चलता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा सर है और सर के ऊपर अगर वो सैटेलाइट है तो इस तरीके से सेट किया हुआ है कि अगर हम सर को मूव करते हैं तो सैटेलाइट भी उसी प्रकार से मूव करेगी ताकि वो जो सिग्नल भेज रही है वो अर्थ पर आने के बाद वो इधर उधर ना हो सके और हमारा कम्युनिकेशन बिल्कुल बिना रुके चल सके। तो जैसे आप जब भी देखते हैं जो हमारा डिश है वो बिल्कुल फिक्स लगा रहता है उसका सिग्नल कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता ना तो हमें कभी घुमाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो अपने आप इधर उधर अगर उसका डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं हुआ तो लेकिन हमारा सैटेलाइट जो है बिल्कुल फिक्स एंगल पे होता है। तो ये सारे कन्फ्यूजन्स थे जिन्हें मैं दूर करने की कोशिश किया हूँ। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से काम करता है सैटेलाइट और सैटेलाइट टीवी और इस तरीके से हम प्रोग्राम को देख पाते हैं बिल्कुल लाइव बिना किसी रुके बिना किसी बफरिंग वगैरह का भी।
तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में हमें बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में टेक्नोलॉजी को मैं बिल्कुल खोल कर एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि हर किसी को टेक्नोलॉजी के हर पहलू के बारे में बिल्कुल बारीकियों से ज्ञान हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।